तमाम मवालिया ने हैदरे करार दा टुराया इस पाक जिक्र च मालिक कबूल फरमाए। बानिया ने मजलिस बाबा सैयद सिफत अब्बास शिराजी साहब, मखदूम बाबा सैयद जफर अब्बास शाह साहब, बाबा सैयद सबील हुसैन शिराजी साहब, सैयद मोहम्मद रजा, बाबा तहर अब्बास शिराजी साहब का यह लंगर खर्च खराजात न्याजा साढ़ा पड़िया। मोमिनीन दी पाक इबादत हुज्जत खुदा सैयद पाक अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। मेरा करीम अल्लाह जितने आजादार जिक्र दी जीनत इन मालिक जो दुख तकलीफा ने दूर फरमा, जो बीमार इन मालिक सेहत भाई जमार नहीं मबास दी दो दिन दी ड्यूटी मालिक कबूल फरमा, मौला इस दी हाजात में पूरा फरमा। मेरा करीम अल्लाह जितने मवालिया ने हैदरे करार ये दो दिन दी ड्यूटी दी बैठे न मालिक इन्हां दी इबादत कबूल फरमा। आमीन आखी करो आज किस वास्ते आमीन आखसो तो कल कोई थोड़े वास्ते आखसी। तो बाबा जब कोई बंदा आमीन नहीं आता मालिक दवाल दा मलाइका इबादत जा किस बंद दे मुंह ते मारो क्यों इस मेनू करीम ही नहीं समझे। एडा अमीर है मेरे को मंगिया ही कुछ नहीं। मेरा करीम अल्लाह हाजरी ने महफिल दे शरई हजाब पूरे फरमा, जिन्हां दी छोलियां खाली है मालिक हयातियां ने बेटे अता फरमा। मेरा करीम अल्लाह बाबा सैयद जफर अब्बास शिराज़ी साहब के बच्चियां दी जिंदगी दराज फरमा। मेरा करीम अल्लाह इन्हां दे जितने मरहूमीन टुर गए मालिक दर्जात बुलंद फरमा। मेरा करीम अल्लाह साड़ी इबादत कबूल फरमा। बहुत वड़ी दुआ पे करदा सारे आमीन अक्सो। मेरा करीम अल्लाह उस वक्त तक किसे मोमिन नु मौत ना देवे जब तक 14 दी ज़ियारत नसीब हो। पहली और आखिरी दुआ इलाही वारिस ने उदे अबे वारिस आए हुज्जत खुदा सरकार इमाम ज़माना दा जल ज़हूर कबूल फरमा। सारी दुआओं की कबूलियत वास्ते ऊंचे आवाज ना बल्कि सलवा अगर इजाजत हो तो जनाब दे दिल दे नूर महल्ले च अकीदत दा मुसल्ला बिछा के नफल शुक्राने दे पढ़ना वा जी। काफी तो ज्यादा बैठे बादशाह हुसैन दे अज़ादार बैठे हो। मैं इस मकाम ते कोई त्रै चार साल मुहर्रम पढ़ी करा चौधरी साहब तेरे चार साल दर्स हो गई इत्थे पढ़दे आ तुस सारे दे चेहरियां दी ज़ियारतां कीती हुई हैं दोबारा शर्फ मिल गया। मैं एक रिक्वेस्ट करा अपील करा महसूस तो ना करे सारे बुजुर्ग जवान मेरे भाई बैठे मौला हुसैन दे अज़ादार हो एक कब्रे हुसैन ते मेरा हाथ है खुदा गवाए हुसैन दे आजादार दा मकाम बहुत बुलंद है। बाबा जी सही आजाद जेड़ा आजादार नु पता कोई नहीं पे मेरा मकाम कितना है। जिस बंदे वास्ते चौथा इमाम उठी करो वे उनु आदन हुसैन दा आजादार ते तू तोड़ा एडा मकाम है ते बंदे बाबा जी इस पाक मजलिस हुसैन दी जन्नत जाके बंदे कुर्सी करे ए तुसे जितने बैठे अगर बादशाह दे नौकर हो सारे उठी गए थे आ जाओ अब यार जरूर इत्थे आवना बाहर नहीं आना भाई तुसा ही आ जाओ पिछले जड़े बुजुर्ग बैठे रहन तुसे जड़े भाई बैठे मेरे इत्थे आ जाओ। मैं तुहानू कोई ज्यादा पिया जी मैं तो कश कहन नहीं अद कुछ न कश थोड़े को लैनी लवना तो यही है थोड़े को जड़ी दाद है ते दाद कोई एडी वड्डी चीज नहीं जड़ी आज तुसा बचा के वही सो ते कल कम आवे सी। खुदा दी कसम 84 WB वाले हो जेड़ा बंदा मजलिस हुसैन बोले सी चाचा हाथ छोड़े जिंदगी आनी वो कबर च न बोले सी आप नहीं पिया भजन छेवा हुज्जत जमाने की छेवीं हुज्जत शिया का छेवा इमाम सरकार का मजलिस वाज शुरू है छेवा इमाम प्यादा जेड़ा बंदा मेरे डाडे हुसैन की मजलिस बोले सी बात कबर की पहली रात उस बंदे की जबान हरकत ना करे सी। एक बंदा उठे हो सके सरकार वजह क्या है थोड़े डाडे की मजलिस असा बोलिए तो कबर च न बोलिए सरकार मैं दिल की तख्ती से नोट कर रहे कबर चो जबान न बोले सी उसकी जात यारी बोले सी यारी ने यारा पुत्र बोले सी हाथ उचे बाबा घबराए खुदा दी कसम न घबराए करो नारे तू एक कुरान मेरे सिर ते भाई जवार नहीं मैं बाद साहब एक कुरान सिर ते रख के प्यादा वहद शिया दा पहला इमाम है जैसे ना चावन नल शर्म महसूस नहीं होती पूरी कैनात दीद मार के मैं कोई हो जाए इमाम तभी खा जाए दी आमद काबा चो शहादत मस्जिद जो हे बाबा हिंदू मान गए चरणदास हिंदू दना कबड्डी दा बहुत वड्डा चौधरी साहब कबड्डी का बहुत बड़ा प्लेयर है लोग एतराज किया वजह क्या है हिंदू एक मुसलमान नहीं नबी का कलमा पढ़ता नहीं वजह क्या है तेरा मुसलमान नाल तल्लुक कोई नहीं जदा मैदान च वहना है सजा जमीन तरक के मुस्करा के दा या कैरल अदुए या वाली अल वली या बदर अल जायब या मुर्तजा हाथ चे आदत तुहानू नहीं पता हर मैदान दी सीनत है अली बाबा जी खुदा दी कसम है ए तुहाडी वर्जिश नहीं
जेडे तुहानु आदे भाई हाथ बुलंद करो, ये कोई वर्दश है किबला, खुदा गवाह मेरे चुमले नहीं, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमावे किबला अजहर हसन जैदी लाहौर आले जिन्हें बुजुर्ग सुने मालिक उन्होंने दर्जात किसे बंदे सवाल की मजलिस से उठ के आगा साहब वजह क्या है जेड़ा जाकिर खतीब वैज मौलवी सुनते हैं वो आता हाथ चा के दाद दियो हाथ चा के नारा लाओ ए कोई वजह नहीं है। चौधरी साहब आगा साहब पैदल दो दलील इस गल दियाँ, एक तो उस बंदे के हाथ रो फादे च नहीं आता बाबा जेड़ा हुसैन दे जिक्र उठी दा है ते आगा साहब पैदल दूजी दलील ए है जदा तुहाडे हाथ फजाइल अली इस बुलंद होंदे मालिक दा वल्दा जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी वाज मजलिस हुसैन च अली दे दीवाने दे हाथ फजाइल अली इस बुलंद दे मांगना दे हाथ दी लकीरा दे हदा वे जेड़े रिस्क मंगदे रिस्क दे जेड़े औलाद मंगदे औलाद दे हाथ उच्चे भाई हर जबान बोले खुदा दी कसम इना दे जिक्र ओ बंदा ना बोले जेड़ा हुसैन दे नाल तल्लक ना रख दो ये हुसैन नाल तल्लक कई तवत जिक्र हुसैन ने बैठ के ते बोल ना पोसी बाबा जी मिंबर ते खलो के गजल फरफीक लोहार हर मकाम ते ऐलान करके आदा दिल विच बुक्स मजीद रख जा सर चव्या दिल विच बुक्स मजीद रख जा कुछ तो सैदा दी दीद रख जा हुसैन नालों जे यजीद प्यारा एक प्यो दा नाम ही यजीद रख जा गाजी रंग लवे यार क्या बात है थोड़ी समाप्त दी भाई ना हाथ दी खैर हो गई बिस्मिल्लाह जी हाथ शाला किसी कमीने दा मोहताज ना हो खुदा दी कसम है अली दा शुक्रिया अदा करते हैं बाबा जी इस वजह तो मेरे अली ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है सर चव्या भाई जेड़े बंदा पूरी सिद्धगी नहीं बोले गजन फरफीक लोहार दावत कर देता है बाबा जी मैं कह मेरे अली ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है जन्नत में एक महल भाई जन बेमिसाल रखा है जन्नत में एक महल बेमिसाल रखा है ऐ दुश्मन अली सर जन्नत के गेट पे दुआ तेरे लिए मीसम ने जूता संभाल रखा है नहीं नहीं बाबा जी हाँ नहीं ठहरे जड़े बंदे का हाथ नहीं चले जड़े गाजी के नौकर बैठे हाथ बंद करो भाई जड़े हजरत अब्बास के नौकर बैठे जवाब साहब जड़े हजरत भाई इफ्तखार उल हसन अल हुसैनी साहब जड़े हजरत अब्बास के नौकर बैठे 84 जख्म की सरजमीन थे गजन फरफीक लोहार साईं दा अदना गुलाम मिंबर हुसैन से खड़ो के त्राय प्रेरण तो बाबा जी मिंबर हुसैन से खड़ो के ऐलान करके खड़ा दा वफा को नाद है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं जिला गाजी के नौकर बंदा बोले सी वफा को नाद है जिस पर उसे शाही अब्बास कहते हैं लगे जो सानी हैदर उसे अब्बास कहते हैं और जो पत्थर पे अलंगारे लोग कहते हैं उसको हैदर जो पानी पे अलंगारे उसे अब्बास कहते हैं बाबा जी बिस्मिल्लाह मौला जिंदगी थोड़ी जिंदगी गाजी रंग लवे बाबा जी सोनी दात मिल गई खुदा की कसम तुसा हक अदा कर छोड़ा है मजलिस का माहौल सोना बन गया हक भी इं बनता है इतनी दात मिल गई अगर इजाजत हो तो मैं मजलिस का खास कसीदे तू कर एक सलवात ऊंची आवाज में नहीं भाई जिन सलवात आंदी ऊंची आवाज नाल पढ़ो जिन नहीं आंदी पका लो एक सलवात होर ऊंची आवाज ना मिल गई लाला हाथ छोड़े गाजी रंग लवे जवान है यार बुजुर्ग तबान बवन तो चलो उन्होंने तकलीफ हो गई जिंदगी होने इजाजत है अली दे शान दा कसीदा बड़ा प्यारा कसीदा मैं जनाब दे नजर करना ओए कुल तराना है अली दा आवाज सही आ रही है बाबा थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है भाई किबला जिंदगी मौला इज्जत बाबा जी कुल तराना है अली दा चाचा नासिर शाह जी कुल तराना दवार साहब बाबा शबीर शाह जी चौधरी साहब बहुत बहुत बंदा दर्द हो रहा है हुकूमत की तवज्जो बाबा तवज्जो है हाथ में ऊंचा बोलो चाचा जिंदगी बाबा जी मैं सत्ता नहीं पढ़नी है जनाब के चेहरे पढ़ने मैं देख सच मजल से जागता कौन है नेत्र कौन है केड़ा बंदा अली का शान सुन के खुश होने ना देखे हर समय लाला हाँ
छेड़े ना हाजियाती नहीं करनी। बाबा जी कुल तराना है अलीदा, हर जमाना अगे साड़ी दुश्मनी और लूआ ते सलवार है। बाबा सनत लड़ाई तू ना छेड़ जिंदगी होनी कुल तराना है अलीदा हर जी जी गल मैं अगे हर मिम्बर त्यादरा ना लोहार होना जुर्म नहीं दुश्मन अली होना जुर्म थोड़िया जिंदगी में काजी रंग खुदा की कसम है उस मां का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस बाबा सानू मां मां हलाल बचाया। शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है आ मेरा भाई चुरासी जग दी सर जमीन तक जन फरफीक लोहार ऐलान करके खड़ा दाए जिंदगी दरा खुदा की कसम है बाबा जी जिक्र हुसैन चाहते हो मैं उस बंदे तो हरियाण हाँ जेड़ा घरों टुरदा है इस दर से आंदा तो सवाल कर नहीं जो बाबा कोठिया बैंक बैलेंस है मेरे को मैं हुसैन की मजलिस से नहीं बहता ये कोठिया बैंक बैलेंस ही तो हुसैन का सदका है। हाँ जी तेरे को आज शरीयत ही तो हुसैन का सदका ही धी बहन की पहचान है तो हुसैन का सदका ही ऐसा कोई इं जल्ले हैं एडे सफर करके बाबा जी इस दर ते आने सानू पता इस दर तू चंगा दर है कोई नहीं दर तो है जिथ सू कुछ मिलना सिर्फ साढ़े मंगने फर्क है उन्होंने दी ताज नहीं उन्होंने तो देवन का वाल होंगे जो कोई मंगण का वाल आंदा हो थोड़िया जिंदगी दराज मत बंदा आया क्यों है किस दर ते आया चौरासी जग दी सर जमीन ते गजन फरफीक लोहार तारुफ करावे बाबा मैं शेर छोड़ दिते हाँ बिस्मिल्लाह मैं नौकरी देसा इंशाल्लाह वक्त कोई नसीब बने तो ये हूं बाबा बिलकुल ये आज मैं एक नवा कसीदा पढ़ू जी थोड़ा दिल हो गया था बाबा शबान का महीना जी तो शबान है खुशियां का महीना इस शबान है कितनिया बाबा जी खुशियां शिया दियाँ वड़ियाँ ईदा मुसलमान मेरी गल तुम समझ आती पी बाबा सिर हिला छुड़िया जा नहीं समझ आती ये मुसलमान की बाबा जी साल दो ईदा एक बकरे वाली ईद एक सीवियां वाली ईद साढ़िया बाबा कितनिया ईदा कभी साड़ी 13 रजब की ईद बाबा यकम शबान चौधरी साहब 3 शबान बाबा शबीर शाह जी 4 शबान 7 शबान जवाब साहब 11 शबान 15 शबान
अगर तुहाडे दिल होवे तां मैं इना इस शबान दे महीने च बाबा जी मौला इमाम ज़मानत नूं सेहत देवे जी ते इस शबान दे महीने च मेरे ज़हन बन गया वे मैं चार शबान दे हवाले दे नाल कसीदा पढ़ा बाबा जी क्योंकि मैं खासी दा ना चाहिना ते इं मौलिया ने हैदर करार दे चेहरे खुला वांग खिलवाए ते ई विच दो त्राए बंदे हन जिहड़े इं बैठे ने रेलवे स्टेशन जिवें समान पियो वे अमान नौकर बैठे इजाजत है मैं हजरत अब्बास की आमद पढ़ा था जी अरे बीबी उमल बनीन गाजी वाला दुनिया ते आया हजरत अब्बास की नियाज है बाबा जी मेरे वास्ते एजाज है बाबा जी मौला की नियाज मिल गई कहीं होर तो दिल हो गए मैं नाराज नहीं होगा बाबा सिद्धियों हाथ उच्च उमल पलीन हाथ चमके कदी मोह चमके भेड़िया के वीर को ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਠਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸਦਾ ਦੁਆ ਦੇ ਛੋੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂ ਜੋ ਹਲਾਲੀ ਮੌਲੀ ਦੇ ਹਾਂ ਠਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੰਨਿਆ ਚੌਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਵੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਚੌਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੜਾਂ ਹੋਵਣ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰ मैं पढ़ा हजरत अब्बास की आमद का शेर चाचा जी बंदे बोलने ना बंदे का हाँ ही ना ठरे एक होर सला आ मेरा भाई पूरा तारुफ करावा केड़ी हस्ती दुनिया ते आई है ओ आली अदा कदर ओ हसन हुसैन दियास वाह 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 हाथ उच्चे गाजी रंगना वे सिंधिया दा सच्चा सुन रहे ओ आली अदा कदर जिंदगी होनी इजाजत दें बाबा बुजुर्ग दुआ दसो बड़ा प्यारा कसीदा अली बादशाह शानदार एक सलवात उची आवाज अली बाबा जी पढ़िए कसीदा चाचा अल्लाह खैर करे आज बस ये दिन ढाड़ी आंदी बैठे ते अगाज मजलिस माता दा मैं पक्खा तेरे अला बंद करा छोड़ा
बाबा जी कसीदा पढ़िए जी, बड़ा प्यारा कसीदा। अली दा हक बन जाए, अली दा हक बन जाए, अली दा हक। इन हाथों की खैर हो यार, ये हाथ सारा किसी जमीन के मोहताज ना हो बाबा जी, तुसा हक अदा कर छोड़ो जी। मेरी दुआ है मेरा करीम अल्लाह आज के दिन का सबका जेड़े हाथ फड़ाए ले नहीं उठे, इससे साहब ने जब करीम मुर्तजा दी चौखट नाल वास होए। बाबा सिद्दीक सुन, मेरी जात बहवे मोहम्मद खुद फरमावे, मेरी जात बहवे। आज अकीदा बोलना बाबा, कोई बंदा उठ के सवाल कर सकता है? गजनफर रफीक सानू समझ नहीं लगी, तो आखिया के पूरा तारुफ करा। आ मेरा भाई मैं तारुफ करा वा, इतना मैं पढ़ना बाबा गासिब न बना। मामा साहब मेंबर तो मौजूद हैं, ज्यादा देर न बहावा। ओए विच मुश्किल दे एक शेर बाबा पढ़ना है, ये पक्का कभी बंद हो जाता ना जी, ये चलो ये बेहतर जुजातरीन वास्ते का। मैं आख्या विच मुश्किल दे 84 वाले करो सवाल, गजन फरफी गुलो आ आखना बेचारा। बाबा जी पूरा तारुफ करावा, सब जग सुनना है। विच मुश्किल दे फेरे कोई सहारा नहीं होगा। वाह वाह, हाथ ऊंचे। सुने तेरी मर्जी, मैं नौ वार दा जवान बाबा भेण ते बिरादा।
तेरी मिन्नत करे सजदा मसाइब पड़ी वे रोवन आवे रोवन वाली शक्ल बनाई कर जेड़ी परदे चाई बैठी है राजी वैसे बाबा जी करबला दा मैदान है ओ जवानो बुजुर्गो मान मुक गए कब्जा तलवार ते मत्था रख के बैठा दा कोई हे जेड़ा मेरिया भेणा दे बुरके बचा बाबा जी लफ्ज होंदे रोण वास्ते पत्थर नहीं मैं नौ करा भाई जान आवाज आंदा कोई हे जेड़ा अली दियां धीयां दे बुरके बचा जोड़ त्रुट गए जख्म च जख्म एडी गुरबत दी हकल दिती है जो करबला आए जलजला आए चाचा जी उस वेले दी गल है जले आमिर 70,000 जिन्नू नाल लेके करबला तू परवाज पिया करे अचानक कदम रुक गए वत हक लाइए कोई हे जड़ा मेरिया बहना दे बुरके बचावे जमीन ते आया हूं जाते आया जिथे कब्जा तलवार ते मथा रखी बैठा आमिर सात कदमा ते आ गया दा अस्सलाम अलैका या अयो हला मजलूम मेरा सलाम हो भी आवाज आंदा दुनिया दे जुल्म दा निशाना मेरा सलाम कब्जा तलवार तू मथा चाया 84 जा करे अकबर दा बाबा रो के आदा आमिर हाले मेरा ना आवाज आंदा या मेरे आवाज आंदा तुसा मैनू किवें सुनाता है गरीब दा आवाज आंदा या मेरे तू एक गल करे ना आगे ता ए दसावा टुरदी बाकी तेनू धी केड़ी गल कीती आ सात कदम पीछा हट गए आता एडे दावे जो करे ना तू कोई मदीने आला हुसैन है सैयदा दा मैनू सुनाण अकबर दा दसा बाबा शर्मा के बैठे रहो ना वाह भाई वाह 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 बताओ करा जी बिस्मिल्लाह अल्लाह तेरा पूछा कबूल फरमावे मैं नौ करा आधा एडे दावे जो करे ना तू कोई मदीने आला हुसैन है सैयद आवाज ना मैनू सुनाणो पुत्रा मोया हुसैन मैं कदमा ते अथरा क्या ना मैंने इजाजत दियो मैं जंग करे ना इमाम दी अखा वास पईया ना हकल मार क्या देना मेरे जंग करनी होवे आ मेरा गाजी न लवे जंग करनी हो गया मेरे अकबर नंबर छीना लगे आवाज ने आमिर तुर भन्या तेरे इंतजार है जाफर पुत्र मुसेरा नहीं पाया आदम मौला तुमने साथ छोड़ा इमाम दरुना दर हो गया दे आमिर मेरी तरफ खुदा फिर वो पैगाम दे मैं आदम मौला केड़ा पैगाम सैयदा था मेरी तरफ बाबा जेड़े मातम कर सकते हो टुर गया आ मेरी दे केड़ी हालत जाफर पुत्र दा सेरा चाई खड़ा है उस बिरादरी मजबूर कीता जाफर जल्दी कर पुत्र नु सेरे पा चाचा जी आ जाफर सेरा पावन दा इरादा कीता या आवाज आई आयो गरीबी सच वे आ चुरासी आयो जाफर मोर तेरी थे केड़ी हालत आमिर दे बाल खुले होए ना जाफर रे क्या दे आमिर कोई मजबूरी हावी ना मेरी खुशी गमी आ बनाई है आता जल्दी कर दा फिर पुत्र दे सिरे त्रोड़ आता कर बलाच मैं कई गाने आले मरी दे डिठे आवाज मैं कई खारे चढ़ दे डिठे गाने ठहे गन उस ज्यादा मैं कह दी गल भी अंदर ना हकल मार क्या दे दा फिर तेरा पीर हुसैन हाल है मेरा अल्लाह जी बाबा आवाज ना तेरा पीर हुसैन हुसैन बिरादरी के सामने हाथ होते ना चुरासिया ने रो क्या दे मेरी कोई शादी नहीं है आवाज आंदा मैं पिया मैं ना कर भला जय वतन वंजना वतन वंजना जय मेरे नाल आवना मेरे नाल आवे ओ जमानो दुजा फरोंदा तू आई तू आमिर तू है सतार ने कदम जाफर मुंह दे भार छलिया है हक्कल मार क्या दे आमिर जद तू कर भला गिया वे पीर हुसैन दी केड़ी हालत आई है ओसले आमिर मातम कीता है ओ बैठे है तो मैं तू गल लाई ओ मैं
मंजिल बताओ जरवैन सुनाना ओ जवाना बुजुर्गो जले जा फिर करबला च पहुंचे उस रे हालत के लिए ये हर कोई पियादा मारो ईदा गाजी नहीं ईदा अकबर मारा गया सत कदम ते जाफिर आदम आला लोकर सरा बोली कब्जे तलवार तुम खा जाए अकल मार क्या दिल जाफिर रो क्या दा मौला हा क्या ते हो क्या गया तेरी तो साफ लग दिया गाजी खिल गया इमाम मातम कर गया दा है क्या मैं तेरे सदा लगा लाल कुछ गया मेरा ये थारस रोवण दे यार रोवण दे शर्मा के बैठे रो दे उस गरीब रो के आंदा है क्या जवाब दे मैं तेरे सवाल लगा लाल कुछ भी है मेरा यार का लगा अच्छा जने सैयद बैठो इजाजत दे दियो फिर सुनावा कुरान दी कसम करबला दी नगरी हार गई है आदम मौला जन शेर पावने आदी अकबर खिल गया है अकबर का नाम है गरीब नचकर ते हाथ है रो क्या दा क्या दसावा बाप जी कदाई नहीं आख्या इशार दा पुरसा दे बना है कुरान दी कसम दा फिरा दा मौला वतन तू कदा टुरिया गरीब दा आवाज अल ठावी रजब आदे मौला करबला कदा दा दो मुहर्रम छेर मरन दरिया तू खैमे पंडे सात नु पानी बंद है दावी नदी चढ़या अकबर नु बरछी लगी है ये गल्ला पयो दी आ गरीब सजे लिखा है ओ कमीना पियादा है जदील दा काबा ढहाया दूजे पासे गरीब रिठा जी का त्याग खाया करबला दी नगरी हट गई है